नमस्कार, स्वागत है आसबी का। आज हम आटे से बिना बेकिंग पाउडर सोडा बिना बटर के ढेर सारी परतों वाली पफ पेटीज आलू कचौरी कुछ नए अनोखे तरीके से बनाने वाले हैं। और आपने इससे पहले इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनाया होगा, एकदम नया तरीका और आप सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सबसे अच्छी बात तो ये बिना फ्राई किए हुए सिर्फ 4 चम्मच तेल में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, खस्ता और स्वादिष्ट बनती है, तो वीडियो तो आप सभी को पसंद आने वाला है। बस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो से आपको आइडिया तो काफी मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो खाली आटे से ही बना सकते हैं या फिर ऐसे मिक्स करके बना सकते हैं, आटा, मैदा और थोड़ा सा बेसन। तो सब चीज़ें आप मिक्स करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आटे से नहीं बनता, आटे से भी एकदम अच्छा बनता। साथ में थोड़ा सा नमक डालकर ऐसे छान लेंगे। तो आटे से तो मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर किया था, वो भी एकदम क्रिस्पी, खस्ता और अच्छा बना था। और बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपी मैंने शेयर की है आटे से भी बनाकर। तो आप चाहे तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, यहाँ पर मैंने घी लिया है ऐसे थोड़ा सा मेल्ट करके, और अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बस 2 से 3 चम्मच डालना है। उसके बाद हल्का सा क्रमली से आटा तैयार हो जाएगा। नॉर्मल पानी से आटा तैयार करेंगे, ज़्यादा टाइट आटा नहीं तैयार करेंगे, थोड़ा मीडियम ही सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। हल्का सा सॉफ्ट रहेगा थोड़ा सही सा, तो देखिए ऐसा ही आटा तैयार करना है। इसको अच्छे से गूंथ कर सेट कर लेंगे, कुछ देर ऐसे ही गूंथ कर इसको सेट कर लेंगे और इसको ढककर हम रख देंगे। तो यहाँ पर आटा देख सकते हैं हमने मीडियम सॉफ्ट ही रखा है। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं दूसरी। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, उसके बाद थोड़ा जीरा, उसी के साथ में थोड़ी सी हींग डाल देंगे, साथ में थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च को ऐसे कट करके लिया है। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो ये फटाफट एक स्टफिंग से हम तैयार कर रहे हैं। जैसे हल्की सी ब्राउन प्याज हो जाती है उसके बाद यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे, तोड़ कर लिया मैंने, इनसे भी एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद मसाले वगैरह डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और इन सबको ऐसे तेल के अंदर पकाते हैं ना, थोड़ा अच्छे से पक भी जाते हैं और अच्छा सा कलर भी आता है। इसके बाद मैंने आलू को बॉईल करके लिया है, ऐसे थोड़ा मैश करके डाल देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप स्टफिंग तैयार कर सकते हैं अपनी पसंद से। और ये वही मटर जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था मटर को स्टोर करने का, फ्रीज करने का, तो 6 से 7 महीने का समय हो गया। मैंने जनवरी के लास्ट वीक में इसको स्टोर किया था। तो यहाँ पर ये मैंने हल्का सा बॉईल करके लिया है, तो आपको ऐसी दिख रही होगी एकदम ताज़ा मटर जैसी, और बिल्कुल भी कोई स्मेल और ख़राब नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। तो लास्ट सीजन में नहीं किया तो इस सीजन में आप ज़रूर कर देखना, आराम से साल भर आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले डाल दिए इसके अंदर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको तीखा स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप डालकर तैयार कर ले स्टफिंग अपनी पसंद से। तो उस टाइम मैंने वीडियो में बोला भी था कि मैं आपको बीच में वीडियो में कभी दिखाऊंगी कि मटर कितने महीने चली, कितने महीने में खराब हुई। तो यहाँ पर अभी आगे भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी कितने महीने तक ये मटर अच्छे से रह जाती है। तो यहाँ स्टफिंग देखिए हमारी तैयार है। मैंने तो यहाँ पर हमने घी को ऐसे मेल्ट करके लिया है, तो 2 से 3 चम्मच ऐसे लेंगे कटोरी के अंदर डालकर। उसके बाद डालेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, तो यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर मैदा। आप चाहे तो खाली कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं या फिर मैदा भी, तो दोनों चीज़ मिक्स करके भी ले सकते हैं। ऐसे 3 से 4 चम्मच डालकर ऐसे मिक्स कर लेंगे ना, तो ये एक अच्छा सा थिक सा बैटर सा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा पतला है तो, लेकिन थोड़ा सा इसी टाइप का हमें टाइट सा चाहिए, ऐसे थोड़ा जैसे एकदम मीडियम सॉफ्ट डो जैसा रहता है ना, बस ऐसा तैयार करना है। अब इसके बाद आटे को देख लेते हैं। मैंने 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ढककर, तो थोड़ा आटा एकदम सॉफ्ट और अच्छा सा बन जाता है देखिए। अब इसके ऐसे बड़े से पेड़े से डिवाइड कर लेंगे साइज में, जैसे बड़ी रोटी बनाते हैं ना ऐसे देखिए। अब सरफेस पर रखकर थोड़ा सा दबाकर हाथ से पहले, उसके बाद इसको हम बेल लेंगे, जैसे थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं, और बेलन से ऐसे बेल लेंगे इसको। और यहाँ पर कितना बड़ा करना, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे ऐसे थोड़ा सा, देखिए बड़ा साइज करना। अब इसके बाद देखिए जो हमने ऐसे पेस्ट जैसा तैयार किया था, तो यहाँ पर 1 चम्मच के आसपास लेंगे पहले, और यहाँ पर बीच में रखेंगे और थोड़ा सा हाथ से दबाकर ऐसे सेट करेंगे, पतली सी लेयर बनाएंगे। और यहाँ पर पूरे में नहीं फैलाएंगे, बस बीच में ही ऐसे साइड में चारों तरफ जगह छोड़कर ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान देना, चारों तरफ ऐसे जगह छोड़ना। उसके बाद एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे, बीच में ऐसे दोनों लेयर बराबर ऐसे सेट कर देंगे हल्के हाथ से दबाकर। उसके बाद दूसरी तरफ से उठाकर ऐसे बीच में ऐसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर एकदम चारों फोल्ड एकदम अच्छे होने चाहिए। जो हमने अंदर ऐसे पेस्ट लगाकर तैयार किया है मैदा और घी का, उसको हम ऐसे निकलने नहीं देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर यही ध्यान देना आपको, कुछ देर आप रख सकते हैं, 5 मिनट के लिए मैंने ऐसे रख दिया था। आप चाहे तो सरफेस पर या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आराम से इसको दबाकर सेट करना है, थोड़ा सा हल्का सा बड़े साइज में करें, उसके बाद बेलन से बेल ले।
तो यहाँ पर यही एक ट्रिक है, इसके अंदर जो हमने ऐसे पेस्ट लगाया अंदर, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, वरना आपकी लेयर एकदम अच्छी नहीं बनेगी, ख़राब हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप हल्के हाथ से इसको बेल लें, हल्के बड़े से साइज़ में कर लेंगे चार तरफ से। और यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही इतना ही साइज़ में बनाकर तैयार करेंगे। बस अंदर जो हमने ऐसे स्टफिंग सी की थी पेस्ट लगाकर, वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चार तरफ से हमने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लिया हल्के हाथ से। तो यहाँ पर इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो एकदम आपकी पफ पेटीज के जैसी बनकर तैयार होगी। अगर बाहर ऐसे निकल जाती है ना तो फिर ख़राब हो जाती है, अच्छा नहीं बनता। तो देखिए ये ऐसे फोल्ड करेंगे इसके बाद एक साइड से, तो हल्के हाथ से दबाकर अब दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा हाथ से दबाकर इसको ऐसे बड़े से साइज़ में कर लेंगे, हल्का सा दबाकर ऐसे। उसके बाद बेलन से इसको हम ऐसे बेल लेंगे, बड़े साइज़ में कर लेंगे, लंबाई में बस ऐसे हल्के चौड़ाई में करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको बेलने की जरूरत है, दोनों तरफ से ये पहले से फोल्ड है तो ये ऐसे निकलेगा नहीं किनारे की तरफ, तो बिल्कुल भी बस ऐसे ही थोड़ा सा इसको लंबाई में बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल भी जो हमने ऐसे पेस्ट लगाया था वो बाहर नहीं आना चाहिए, एकदम अच्छा बनता है इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। सभी को इसी तरीके से आप पहले तैयार कर लें। अब इसके बाद एक साइड से रोल करते जाएंगे, थोड़ा टाइट रोल करेंगे ऐसे साइड में जो एक्स्ट्रा, उसको दोनों तरफ से उंगली से दबाकर अंदर की तरफ करेंगे और टाइट रोल ऐसे बना देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा ऐसे किनारे की तरफ हल्का सा पानी लगाकर भी सेट कर सकते हैं एक साइड में लास्ट में, तो ये थोड़ा सेट भी हो जाएगा और हल्के हाथ से ऐसे रोल करेंगे तो ये ऐसे सेट हो जाता है। उसके बाद सभी को आप ऐसे ही तैयार करके कुछ देर रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं 2-4 मिनट के लिए, और आप चाहे तो ऐसे किनारे पर थोड़ा पहले से पानी लगाकर भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही आप बनाकर कुछ देर रख देंगे तो ये थोड़े सेट भी हो जाएंगे, आप ऐसे ही सरफेस पर छोड़ दें। ज़्यादा गर्मी अगर नहीं है तो मौसम के हिसाब से भी चीज़ें देखी जाती है, कई बार ऐसा होता है अगर ठंडी का मौसम है या सही मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप 5 से 7 मिनट ऐसे ही छोड़ सकते हैं, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो अभी ऐसे ही बनाया, फ्रिज में नहीं रखा इसको। और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसके अंदर मैंने थोड़ी नमकीन भुजिया ऐसे डाल दी, ऐसे और भी ज़्यादा क्रिस्पीपन आएगा, एकदम अच्छी बनती है ऐसे स्टफिंग। तो अलग अलग तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए रोल हमारे तीनों तैयार है, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, मैंने 2-4 मिनट ही रखा था ऐसे फ्रिज में, थोड़े सेट हो जाते हैं देखिए। उसके बाद इसको हम ऐसे कट करेंगे चाकू से, पहले बीच से हल्के हाथ से ऐसे कट करते जाएंगे तो एकदम अच्छी लेयर आपको दिखाई देगी बहुत सारी। तो देखिए यहाँ पर आपको शायद दिखाई दे रही है या नहीं, लेकिन बहुत सारी पतली पतली लेयर बनकर तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ तो इतना आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस साइड से दिखाई देगी। अब जिस साइड में हमने कट किया है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर उंगली से दबाकर अंदर की तरफ ऐसे दबाएंगे, होल बना लेंगे इसके अंदर। तो थोड़ा सा अंगूठे से दबाकर किनारे की तरफ ऐसे दबाते हुए ऊपर की तरफ खींचकर एकदम थोड़ा अच्छा सा होल बनाएंगे और नीचे थोड़ा सा लेयर रखेंगे, ऐसे ज़्यादा नीचे तक नहीं दबाएंगे, नीचे की लेयर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इससे। और ऊपर किनारे पर पतला थोड़ा सा कर ले, उसके बाद स्टफिंग करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच आप स्टफिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं, इसी तरीके से आप बनाकर तैयार कर लें। अब इसके बाद धीरे धीरे ऊपर ऐसे दबाकर स्टफिंग को ऊपर किनारे की तरफ खींचते जाएंगे और रोल को ऐसे बंद करते हुए जाएंगे इसको, और हल्के हाथ से दबाते हुए ऊपर थोड़ा अच्छे से रखेंगे ताकि बाद में ये खुले नहीं और सेट हो जाए। ऐसे थोड़ा सा हल्के हाथ से दबाकर अब बेलन से थोड़ा सा ऊपर से ऐसे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा साइज नहीं करना, हल्के हाथ से ही बेलना ऊपर से, बस ऐसे राउंड में आप थोड़ा सा बेल कर तैयार कर लें और बाद में ये लेयर जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये बहुत अच्छे से निकल कर आएगी और एकदम बड़े से साइज में ये बनकर तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा, फूल कर बनेगा जब। तो ये तो देखिए तैयार है, इसी तरीके से आप बाकी सभी को तैयार कर ले। तो यहाँ पर आप चाहे तो 1 से 2 घंटे पहले तैयार करके भी आप फ्रीज भी कर सकते हैं, या ऐसे ही बनाकर भी रख देंगे ना तो भी ख़राब नहीं होने वाला, थोड़ा सेट ही होता है, और बाद में उसके बाद आप बनाएंगे तो एकदम बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आप किनारे की तरफ हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं ताकि ये खुले नहीं, अच्छे से सेट भी हो जाए। वैसे तो ये सेट हो जाता है, अगर आपका आटा ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा सा आप पानी लगाकर सेट कर सकते हैं, हाथ से दबाकर भी आप थोड़ा ऐसे सेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से बन जाता है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है और एकदम अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है और आगे भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सभी को देखिए मैंने तैयार कर लिया। अब इसके बाद दूसरी तरफ देखिए, मैंने एक पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल कम तेल में भी आप बना सकते हैं, सिर्फ 2 चम्मच तेल डालकर भी।
तो यहाँ पर डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो एकदम अच्छा बनता है। जैसे तेल गर्म हो जाता है उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे और डाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही तेल ज़्यादा तेज भी गर्म नहीं है, हल्का ही गर्म है, तो कुछ देर बाद धीरे धीरे पकना शुरू होंगे। और जैसे जैसे पकेंगे थोड़ा सा आप साइड में ऐसे हिला सकते हैं, तेल भी चारों तरफ अच्छे से जाए और हल्का सा पकना शुरू होगा ना तो देखिए कितनी लेयर इसके अंदर निकलना शुरू हो जाती है और बड़े बड़े साइज़ में हो जाते हैं। तो जैसे ही कुछ थोड़ा सा पक जाते हैं उसके बाद साइड चेंज करेंगे, हल्के हाथ से ही करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लेयर रहती है, टूटने का डर रहता है, इसलिए आराम से आप थोड़ा साइड चेंज करें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको साइड चेंज करके पकाना है, तो दो तीन बार कम से कम साइड चेंज करना है। और जहाँ देखेंगे ना तो कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा एकदम थोड़े बड़े भी हो जाते हैं और फूल भी जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी लेयर ऐसे निकलना शुरू हो जाती है, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो और बीच बीच में आप गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से आप पकाएंगे ना तो एकदम बहुत सारी लेयर इसके अंदर आएगी और बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पीपन आता है और अच्छे पकते हैं। तो आप देखेंगे तो थोड़े से पहले से बड़े भी साइज़ में हो जाते हैं और एक अच्छा सा देखिए ब्राउन कलर आ गए एक साइड में। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप पका लें दोनों तरफ से, और ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाकर देखना। तो यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रहे, बिल्कुल कम तेल में आप फ्राई कर सकते हैं और ये एकदम बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए इस साइड भी एकदम क्रिस्पीपन, कितनी सारी लेयर आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोनों तरफ से एकदम अच्छा सा क्रिस्पीपन और अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो ये हमने दो तीन बार साइड चेंज करके एकदम अच्छे से पका लिया। तो आप देख सकते हैं, देखने से आपको पता चल होगा कितनी क्रिस्पी और लेयर बनी है। तो बाद में मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी तो पता ही चल जाएगा, बहुत ही अच्छी बनती है इस तरीके से। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। और आपने इससे पहले इस तरीके से नहीं बनाया होगा, डीप फ्राई किया होगा या फिर वैसे। और मैंने थोड़ा तेल इतना डाला, आप और कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने तैयार कर लिया। तो लग रहे हैं ना देखने में एकदम क्रिस्पी, खस्ता, बहुत सारा क्रंचीपन आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर एकदम गर्म है, आप गर्मा गर्म इस तरीके से खा सकते हैं। आप एक से दो दिन भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो ये हमारी पप पेटीज कचौरी तो देखिए बनकर तैयार हो गई। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कितने लेयर वाली, खस्ता, क्रिस्पी और एकदम अच्छी बनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, आप ट्राई जरूर करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और यहाँ पर तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्पी, खस्ता और कितनी सारी देखिए इसके अंदर लेयर बनी है। और हमने तो देखिए वैसे भी इसे हेल्दी तरीके से बनाया आटे का इस्तेमाल करके। आप चाहे तो अलग अलग स्टफिंग से भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जैसे हमने ये डो तैयार किया, इसी डो से आप और अलग अलग तरीके के पप बनाकर तैयार कर सकते हैं। पप पेटीज अलग अलग शेप में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और चारों तरफ से एकदम क्रिस्पी और अच्छे से देखिए पक जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है, हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया, कम तेल में बनाकर तैयार किया है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी और कितनी सारी इसके अंदर लेयर बनी है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप एक बार जरूर बनाकर देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। और आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर चटनी टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। चलिए जल्द मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।